लखनऊ शहर में विजय नाम का एक नौजवान था। उसी शहर में रहने वाली एक लड़की जानू से वो मोहब्बत करता था। एक दिन विजय जानू के पिता वसीम के पास गया और श्रद्धा पूर्वक उन्हें स्वागत किया। हेलो अंकल, बहुत दिनों के बाद तुम हमारे घर आए। कुछ खास काम था क्या यहाँ? जी अंकल, मैं आपकी बेटी जानू को बहुत चाहता हूँ। जानू भी मुझसे बहुत प्यार करती है। कृपया आप हमारे इस प्रेम को स्वीकार कीजिए और हमारी शादी करा दीजिए। विजय ने बड़े नम्रता के साथ उन्हें कहा। ऐसा क्या विजय, तुम करते क्या हो? हर महीने तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, बताओ बताओ। अंकल, मैं इसी शहर में एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी सैलरी 20,000 है। 20,000? इतने पैसों में तो मेरी बेटी का मेकअप का सामान भी नहीं आता, फिर उसे खिलाओगे क्या? मैंने अपनी बेटी को राजकुमारी जैसे पाल पोस के बड़ा किया है, फिर मैं अपनी बेटी को एक गरीब इंसान के हाथ कैसे दे दूं? यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार के निकालूंगा, समझे? इस तरह वसीम ने विजय को बेइज्जती करके वहाँ से भेज दिया और विजय बहुत दुखी होकर सोचने लगा। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर मैं जानू से शादी करूंगा। इसी के साथ विजय ने शहर जाने का सोच लिया। जब वो पड़ोस के शहर में जा रहा था, उसे जंगल होकर जाना था। रात में उस जंगल से जाते वक्त वो काफी थक गया और एक पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगा। जब विजय सो रहा था पेड़ के नीचे, कुछ शैतान जो उस पेड़ में रहते थे वो उसे देखकर कहने लगे। अरे वाह, बड़ा हैंडसम है, यही आज हमारा भोजन है, चलो उसे पकड़ के खाते हैं। विजय उनकी ये बात सुनकर डर गया और सोचने लगा। हे भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? मैंने अपनी प्रेमिका को खो दिया, क्या मैं अपनी जिंदगी भी खो दूंगा इन शैतानों की वजह से? अब नाना, मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा और इनके चुंगल से निकलना पड़ेगा। फिर काफी देर सोचने के बाद विजय को एक तरकीब आई। तुरंत वो उठ के बैठ गया और ऐसा भाव करने लगा। जयकाल जगत्काली, ओम क्लीम स्वाहा। इस तरह वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। फिर वो एक बॉडी स्प्रे और लाइटर निकाला अपने बैग से और एक साथ दोनों को दबाया। तुरंत आग जलने लगे। ये देखकर वो शैतान डर गए और सोचने लगे। अरे बाप रे, लगता है ये कोई जादूगर है, ये तो अपने हाथों से आग जला रहा है। चलो उसके पाँव पड़ जाते हैं और माफी मांगते हैं, नहीं तो वो हमें इस आग में राख कर देगा। ये कहकर शैतान डर के मारे पेड़ से उतर आए। उन्हें देखकर विजय बिल्कुल डरा नहीं और चिल्ला कर बोला। क्या तुम मुझे खाना चाहते थे? हाँ, अब मैं तुम्हारा अंत दिखाता हूँ। श्रीमान, हमसे गलती हो गई है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। सुनो, लखनऊ शहर जो कि जंगल के पास है, वहाँ वसीम नाम का एक धनी व्यक्ति है, उसकी एक बेटी है नाम जानू। तुम में से एक को वहाँ जाकर उस पे हावी हो जाना है और उससे अजीबोगरीब हरकतें कराना है, ताकि वहाँ सब डर जाए। फिर मैं वहाँ जाऊँगा और उसके कान में जयकाल जगतकाली ओम क्लीम स्वाहा कहूँगा। तुरंत तुम उसे छोड़ के चले जाना। ठीक है श्रीमान, पूरी बात हम समझ गए। फिर उनमें से एक शैतान वसीम के घर गया और जानू के ऊपर हावी हो गया, जो कि अपने कमरे में सो रही थी। तुरंत जानू, जिस पे शैतान हावी हो गया था, वो नींद से जग के सारे सामानों को फेंकने लगी चिल्ला चिल्ला के। क्या कर रही हो जानू, तुम इस तरह सारे सामानों को क्यों फेंक रही हो? ओए वसीम, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं एक शैतान हूँ। 10 मुर्गियाँ और 5 बकरियाँ दे दो मुझे, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा अंत यही होगा। ये सुनकर वसीम चौंक गया और सोचा। हाय अल्लाह, ये क्या है, शैतान कैसे मेरी बेटी पे हावी हो गया? तुरंत वसीम ने जादूगरों को बुलाया जो उसी शहर में रहते थे और बोला।
जनाब, आप में से किसी ने अगर उस शैतान को पकड़ लिया जो मेरे बेटी पे हावी हुआ है, तो आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। फिर वो सारे जादूगर जानू को घेर के खड़े हो गए और कई तरह के मंत्र पढ़ने लगे। फिर वो असमर्थ रहे जानू के शरीर से उस शैतान को अलग करने में। जनाब, हम उस शैतान को आपकी बेटी के शरीर से अलग नहीं कर पाए। ये कहकर वो चले गए वहाँ से। इसी के साथ वसीम उदास हो गया और अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो पड़ा। इस बीच विजय आया वसीम के यहाँ और बोला, अंकल मुझे अभी अभी पता चला इस बारे में, मैं अपनी जानू को बचाऊंगा। क्या तुम वो कर सकते हो जो वो जाने माने जादूगर नहीं कर पाए? जो मुझसे हो पाएगा मैं वो जरूर करूंगा, आप चिंता ना करें अंकल, सब ठीक हो जाएगा। विजय जानू के कमरे में गया जो कि अपने बिस्तर पे बैठी थी और उसके कान में जाके बोला, जयकाल जगत काली ओम क्लीम स्वाहा। तुरंत वो शैतान जानू को छोड़ के उड़ गया और जानू पहले जैसी हो गई। विजय और जानू की निकाह हो गई। फिर